हाय फ्रेंड्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप में भी टीचर्स होंगे, अपकमिंग टीचर्स होंगे, और उन्हीं सब लोगों के लिए, उस पूरी कम्युनिटी के लिए, अपकमिंग टीचर कम्युनिटी एंड प्रेजेंट टीचर कम्युनिटी के लिए मैं बीएड की एक लेसन प्लान की कुछ उसका जो कंटेंट होता है, थ्योरेटिकल कंटेंट, उसकी मैं एक पूरी पूरी सीरीज ला रही हूँ। कुछ काम हो गया है, कुछ काम होना है, तो धीरे धीरे करके मैं सारे वीडियोज अपलोड कर रही हूँ। उन्हीं में से एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम कई बार इन दोनों टर्म्स को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टर्म्स को, आपस में एक्सचेंज करके यूज कर लेते हैं। हम ग्रोथ की जगह कई बार डेवलपमेंट बोल देते हैं, लेकिन हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में कि कैसे जब हम बीएड में आंसर लिखेंगे या हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो कैसे ये दोनों टर्म्स अलग हैं, और अलग होते हुए भी इनका क्या इंटरकनेक्शन है, वो हम इस लेक्चर में आज समझेंगे कि मे बी इनमें कोई डिफरेंस है, लेकिन तब भी ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं। इनके प्रिंसिपल्स जानेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इंटरचेंजेबली यूज नहीं हो सकती, मैंने इसमें ऑलरेडी बताया हुआ है। ये एक दूसरे की सिनोनिम्स भी नहीं हो सकती हैं। एक एक का पर्सपेक्टिव अलग है, दूसरे का पर्सपेक्टिव क्योंकि अलग है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है फ्रॉम द वेरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, जैसे स्पर्म और एग का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है और फुल फ्लेज्ड एक ह्यूमन अडल्ट बनता है, तब से लेके, तो फ्रॉम, कहते हैं ना, फ्रॉम वोम टू टोम, ये जो प्रोसेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ये कंटिन्यूअस होती है। और इसीलिए, और क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों प्रोसेस कंटिन्यू होती है, इसका मतलब ये कि दोनों ही डिफरेंट है एक दूसरे से। अब जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब हम आंसर लिखते हैं तब हम, हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक 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 रैशनल आंसर हमारा होना चाहिए कि एट ग्लांस जो हमारा, जो जो हमारे एग्जामिनेशन की कॉपी चेक कर रहे हैं उनको एट ग्लांस समझ में आ जाए कि हम आखिर कहना क्या चाहते हैं, और हमें इसका ये पता है या नहीं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए अगर हम टेबल बना के अगर डिफरेंस समझा देंगे तो इट वुड बी गुड। हम यहाँ पे मैंने बताया कि जो ग्रोथ होती है वो एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है, क्वांटिटेटिव चेंज होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव चेंज हम कोई भी है, 1, 2, 3, हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट इज टोटली, यू नो, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म। इसको हम समझ सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते, हम इसको, इसका वेट नहीं ले सकते हैं। ये एक टोटली एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, और ग्रोथ जो है वो एक कंप्लीटली कॉन्क्रीट टर्म है, जिसको, उस ग्रोथ को हम देख सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं, उस ग्रोथ को हम कहीं से भी ऑब्जर्व करके उसको नोट कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ डजंट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। क्या होता है कि ग्रोथ, अगर अगर हम हाइट के परस्पेक्टिव में बात करें तो एक एज होती है, मान लो कि 18 होती है या 20 हमारी एज होती है, तब हमारी हाइट बढ़ना स्टॉप हो जाती है, उसके बाद में हमारी वो हाइट नहीं बढ़ेगी। लेकिन डेवलपमेंट ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट, आप फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट की, तो सोशल डेवलपमेंट अगर हम ले लें तो उसकी कोई एज नहीं है कि सोशल डेवलपमेंट सिर्फ 20s तक होगा या 50s तक होगा। वो कभी भी हो सकता है या कभी भी नहीं हो सकता है, दोनों ही एस्पेक्ट है इसमें। एक तो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा और एक बेस्ट केस सिनेरियो होगा, तो उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, उसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है एक्चुअल में। डेवलपमेंट का कोई आप उसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते हो, लेकिन ग्रोथ में ऐसा बना सकते हो क्योंकि ग्रोथ टोटली मेजरेबल है। चेंज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इज सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ कि इट इज ऑल अबाउट मेजरमेंट, यू नो, इट इधर इट कैन बी इन इन टर्म्स ऑफ हाइट और वेट और एनीथिंग एल्स, बट चेंजेस कांट बी मेजर्ड, दे कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड। इट कैन बी, डेवलपमेंटल चेंजेस कैन बी हैपेंड, यू नो, बाय कीन ऑब्जर्वेशन। ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ब्रेन भी उतना ही डेवलप हो। कई बच्चों को हम देखते हैं कि उनकी हाइट बहुत अच्छी है, वो अच्छे हट्टे कट्टे हैं, लेकिन वो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं है, या उनको कोई मेंटल डिसेबिलिटी है। तो ग्रोथ होने का मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट उसमें होगा ही होगा। इट मे अपियर और मे नॉट अपियर, लेकिन डेवलपमेंट जो है कांट बी अपियर्ड इजिली। इट रिक्वायर्स एफर्ट टू ऑब्जर्व डेवलपमेंट। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ग्रोथ अच्छी है, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ, मैं कह सकती हूँ कि अगर आपकी ग्रोथ, आप अपनी क्लास में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका डेवलपमेंट अच्छा ही होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो
ये चार मेजर डिफरेंसेस हैं जो आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। सो बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो डिफरेंशिएशन, बट इन वाइडर एंड प्रैक्टिकल सेंस बोथ टर्म्स आर यूज्ड टू डिनोट द चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो ये जब हम दोनों को मिलाकर हम देखेंगे, जब हमें किसी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को ऑब्जर्व करना होगा, तो ये हमें एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देगी एक ह्यूमन बीइंग का। हाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटरलिंक्ड। अभी तो हमने ये देखा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन जितना इनमें ज्यादा डिफरेंस है उतने ही ज्यादा ये इंटरलिंक्ड भी है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इन दोनों टर्म्स में कि देयर आर अ की मेजर इंटर रिलेशन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वन डायमेंशन अफेक्ट द अदर डायमेंशन। हमेशा जो अगर जैसे मैंने अभी आपको हाइट को लेके बताया था कि जरूरी नहीं है कि आप सोचेंगे कि अगर किसी की हाइट बहुत अच्छी है उसका ब्रेन उतना ही अच्छा होगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, आप कुछ चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी इंसान का, अगर मान लो कि करियर ग्राफ बहुत अच्छा है, अगर वो करियर में बहुत अच्छा है, उसने IIT या इंजीनियर या वो डॉक्टर है या कुछ भी है, अगर वो होम मेकर है, हाउसवाइफ है, अगर वो अपना काम बहुत अच्छे से करी, तो मे बी उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो हम कह सकते हैं इक्वल पाथ पे चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा इंटर रिलेशन। यही एक कॉन्ट्रडिक्शन है। जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो आप पहले ये चीज क्लियर कर देंगे कि चाहे ये कितनी भी अलग हो, लेकिन इनमें फिर भी इंटर रिलेशन है। चाहे एक के ना होने से दूसरे का होना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ, कहीं किसी मायने में, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन है तो कहीं कुछ मायनों में ये एक दूसरे को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बच्चे में, अगर आप डेवलपमेंट परस्पेक्टिव में बोलूं कि अगर किसी बच्चे में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है या बच्चा थोड़ा लेस कॉन्फिडेंट है, तो कहीं ना कहीं उसका जो करियर है या वो अच्छा एक पब्लिक स्पीकर नहीं होगा, वो वहां पे उसकी ग्रोथ हिंडर होगी। तो अभी हमने चेंजेस देखे, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को इफेक्ट भी करती है। प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ डेवलपमेंट के कि ये होता कैसे है। अभी ग्रोथ तो हमें पता है कि ऑब्वियसली हाइट किसी की कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी, लेकिन डेवलपमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट होता कैसे है? तो एक बहुत फेमस टर्म है और सीटेट वगैरह के एग्जाम में भी काफी पूछा गया है, कैटलो कॉडल एक ये टर्म होती है जिसका मतलब होता है फ्रॉम हेड टू टो। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि ये हेड से चलता है और टो तक होता है, मतलब ये ऊपर से लगा के नीचे तक होता है। कैफेलो कॉर्डल मीन्स हेड टू टो। ये चीज आप ध्यान रखिएगा ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी रहे, क्योंकि टर्म ऐसी है कि एक बार में याद भी नहीं रहती है। फर्स्ट द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ओवर हिज हेड। सबसे पहले बच्चा जो अपने, आपने देखा होगा, अपनी गर्दन संभालना सीखता है। जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो 3 महीने के 4 महीने के बच्चे होते हैं, जब वो धीरे धीरे बैठना सीखते हैं, तो सबसे वो ऐसा नहीं होगा कि जब कुछ थोड़ा सा 3 महीने के हो जाएंगे या 4 महीने के हो जाएंगे सीधे पैर लेके चलने लग जाएंगे, नहीं। वो पहले उनका जो डेवलपमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले वो अपनी जो गर्दन है उसको स्टेबल रखना सीखेंगे, उसके बाद में वो अपने थोड़ा सा बैठना सीखेंगे, मतलब अपनी जो स्पाइन है उसको सीधा रखेंगे, फिर वो थोड़ा थोड़ा खड़ा होना सीखेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा चलना सीखेंगे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने हेड को संभाला, देन वो अपने टो तक गए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कैफेलो कॉर्डल होता है। इसके बाद में आती है प्रॉक्सी मॉडेस्टल। तो प्रॉक्सी मॉडेस्टल का मतलब क्या होता है? द प्रॉक्सी मॉडेस्टल ट्रेंड इज टेंडेंसी फॉर मोर जनरल फंक्शन ऑफ लिम्स टू डेवलप बिफोर मोर स्पेसिफिक और फाइनल मोटर स्किल्स। तो जो हमारी फाइनल मोटर स्किल्स है, जैसे आपने बच्चों को देखा होगा समटाइम्स, वो कभी भी कोई बड़ा ऐसे कुछ भी चीज उठाने नहीं लग पाते, हमेशा वो कोई छोटी चीज करेंगे और उस छोटी चीज को करते करते ही वो किसी बड़ी चीज तक पहुंचेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं प्रॉक्सीमोडिस्टल, कि कुछ माइनर माइनर जो मोटर स्किल्स है, जो सॉफ्ट स्किल्स है, उनको लेके फिर आगे बढ़ के अपने आप में बड़े चेंजेस, बड़े डेवलपमेंट करना इज कॉल्ड प्रॉक्सीमोडिस्टल। एंड इट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। से आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये सेंटर से स्टार्ट होता है और बाहर तक, मतलब पेरिफेरी तक जाता है। पहले अंदर जो हमारे छोटे छोटे लिम्स हैं वो बनेंगे, ऑर्गन्स हैं वो बनेंगे, तभी जाके एक बड़ा एक ह्यूमन अडल्ट तैयार होता है। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमोडिस्टल। आप जब भी आंसर लिखेंगे तो ये बात का प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये दोनों में इंटर रिलेशन भी है और उतना ही बड़ा इनमें डिफरेंस भी है। और यही इन दोनों टर्म्स की बहुत अच्छी सी बात है, एक ब्यूटी मैं कह सकती हूँ, और ये बहुत कम चीजों में मिलती है। तो यहीं पे मेरा ये लेक्चर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा
अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। एंड मैंने अपने जितने भी लेसन प्लान है माइक्रो टीचिंग की, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैंने और भी चीजों के वेट से रिलेटेड यहाँ पे मैंने समझाया हुआ अपने चैनल पे, तो उन सब के लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। यहाँ तक कि हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने सारे वीडियोस की लिंक भेजी हुई है, तो अगर आपको कुछ भी कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो पहले तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं नीड के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, और जो भी चाहिए तो ज्यादातर आपको कंटेंट मिल जाएगा। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, टेक केयर।